हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आपका AR और आप देख रहे हैं न्यूज ARS। आज हम बात करेंगे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों है, आइए बात करते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त यानी कि कल के दिन रिलीज हो चुकी थी। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर इस फिल्म को नहीं देखने की अपील कर रहे हैं। सोशल यूजर के पोस्ट के मुताबिक आमिर खान को हिंदू देश विरोधी बताया जा रहा है। आखिर यूजर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान वैसे तो विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन 2015 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद कई मौके पर आमिर खान को ये सफाई देना पड़ा कि ये हमारे बयान का मतलब गलत निकाला गया। हालांकि इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर आमिर खान को देश विरोधी लिखकर लोग ट्रोल करते हैं, ये बात शांत हुआ ही था। तभी आमिर खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुर्की के प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ फोटो शेयर कर दी। इसके बाद से भारत में आमिर खान की काफी अधिक आलोचना हुई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि तुर्की के प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ फोटो शेयर के कारण उनकी आलोचना क्यों हो रही है। आपको बता दें कि तुर्की एक इस्लामी देश है। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बयान देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर बयानबाजी की है, साथ ही पाकिस्तान का समर्थन करते आया है। जाहिर सी बात है कि जो देश भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, उस देश के प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ आप मिल रहे हैं, ऐसे भारत के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आएगा। वहीं पीके मूवी में कई सीन ऐसे थे जो कि हिंदुओं के भावनाओं को आहत पहुंचाए। आमिर खान के ऊपर लफ्ज़ जिहाद का भी आरोप सोशल मीडिया यूजर ने लगाया है। कई सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि हिंदू लड़की से शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया, ये एक लफ्ज़ जिहाद है। आपको बता दें कि आमिर खान किरण राव से अब तलाक ले चुके हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। आमिर खान के विवादित बयान के बाद उनकी अगली फिल्म दंगल 2016 में रिलीज हुई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया। अब ये सवाल है कि ट्रोल करने के बाद भी ये फिल्म क्यों हिट रही। इसका जवाब सिंपल है, दंगल मूवी का कहानी में दम थी और जिसके तरीके से फिल्म को बनाया गया था, दर्शकों ने उसे काफी पसंद किया। इस मूवी ने पहले ही दिन 29 करोड़ की कमाई की थी। वहीं 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार मूवी हिट रही, जबकि 2018 में ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की मूवी आई थी जो पूरी तरीके से पिट गई थी। यानी ये स्पष्ट है कि अगर मूवी अच्छी हो तो ट्रोल के बाद भी चलेगी। एक मीडिया इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया कि इस तरह ट्रोल काफी निराशाजनक होते हैं, जैसा लोग महसूस करते हैं वो सब झूठ है। मेरी सभी लोगों से आग्रह है कि मेरी फिल्म को बहिष्कार ना किया जाए। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच, और हाँ आपका दिन शुभ मंगलमय हो। What's left? The storms we chase are leading.